पठानकोट के गढ़थोली मोहल्ला वासियों द्वारा प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया, जिसकी जानकारी में स्थानीय निवासियों ने बताया है कि उनके मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन बनाए हुए 22 दिन हो गए हैं और उनके मोहल्ले के पॉजिटिव मरीज भी ठीक होकर अपने अपने घरों में आ चुके हैं, परंतु पुलिस मुलाजिम मोहल्ला वासियों को घरों से बाहर तो दूर मंदिर तक नहीं जाने देते और इस मोहल्ले में रेहड़ी लगाने और दिहाड़ी लगाने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, जिससे लोगों को उनको खाने तक के लाले पड़ गए हैं। इसलिए उन्होंने प्रशासन से जल्दी इस समस्या का समाधान करने की मांग की है, ताकि लोग अपने घरों का पालन पोषण अच्छे से कर सकें। भाजी पहला मेरा नाम रजिंदर टारजन और असं जोड़े महल रहने, ये सारा महला साढ़ा एक दूसरे न जुड़ के रहा, एक दूसरे के दुख सुख से काम आने वाला महला, और लागे साढ़े मंदिर पैंता, रामलीला ग्राउंड पैंती है, और डेली सारे महलेदार मंदिर जाते हैं, सवेरे सवेरे भगवान के अगे मत्था टेकते हैं, लेकिन नाका होने के बावजूद वो मंदिर नहीं जा सकते, उन्होंने रस्ते चो मोड़ देंगे कि दसो जे करोना जिधर फैलिया वो सारे बंदे जोड़े जिन्होंने वो ठीक हो गए घर से वापस आ गए और बिल्कुल सारे नाल मिल गिल रहे हैं और सानू बड़ी खुशी है कि वो ठीक हो गए। बाकी सरकार ने जो भी कहता भी मूँह तो मास्क बनो, वो सारे नियमों का पालन करेगा न्याय और हर कोई बंदा करे करता, मूँह तो मास्क पा के निकलता गली चो घर चो निकलता, लेकिन साढ़े महला थोड़ा इस तरह का भी कुछ बंदे रेहड़ी लगाते हैं और कुछ कई घर कम करते हैं, साड़िया मावं भैन भरजाइया साड़िया लोगों के घर कम भी करते हैं, लेकिन उन्होंने पुलिस बाहर नहीं जान दी, महल चो निकल नहीं दी, मंदिर नहीं जान दी भी तुम मंदिर की करन चले हो, जाओगे तो फटाफट आओ वापस, ये गल थोड़ा मानती है कोई सरकार की। अं चाहते भी एक तो दुकाना खुलन, छे दिन सात दिन हो गया महल की दुकान बंद है, किसी ने राशन पानी हर भैन भरा राशन पानी चाहिए होंगे और 22 दिन हो गए और राशन पानी तो भी तंग आ गए, घरों बाहर निकल भी नहीं सकते, तो दसो कितने जाइए अं लोग, सारा महला ही दुखी हो गया कि जिधर जिधर करोना है उधर जाके देखो, जे बंद ही करना, जे बंद मेरी गल सुनो, जे बंद करना तो फिर पूरा डलोजी रोड तो लैके मिशन रोड तो लैके इधर बनारसी दुकान तो लैके सारा बंद कर दो, अं सहमत होवे, साडा पूरा महला सहमत होएगा जे सारा इन्होंने बंद करना, तो पक्का बंद कर दो दिन वास्ते कर दो, चार दिन वास्ते कर दो, 10 दिन वास्ते कर दो, जिन्हें दिन कहो अं बंद अं नहीं निकलेंगे घर तू बाहर, लेकिन साढ़ा महला इन्ना ना एरिया बंद करना ये तो बेवकूफी होगी ना। एक मेरा नाम है अशोक कुमार, मैनू अज 20 दिन हो गया चेक कराए थे, टेस्ट कराए थे, साड़ी गली च कोई भी मरीज ऐसा नहीं है जिन्हों कोई बीमारी लगी दी है, जेड़े है ही वह ठीक है, जेड़े नहीं है जिन्होंने होएगा वो रस्ता बंद है, साढ़े वाला 20 दिन हो गया रस्ता बंद, ना अं दुकान खोलने ना कुछ करने, सवेरे अं आने 7 बजे ना दुकान खोलने, ए एस आई आते सूँ कहते दुकान बंद कर दो, अं नाल ही हाथ जोड़ के कहने जिदा जी थोड़ा हुक्म है अं बंद करके घर चल जाने। ये बारे तुम गल की अपने महल के एम सी या असी अपने महल के एम सी भी कहा, तो वह रोज़ ही सवेरे कभी कहता 1 बजे ना तुम मैसेज दिना, कभी कहता 2 बजे दिना, कभी 5 का टाइम आ जाता, कभी दूजे दिन फिर सवेर आ जाती है, फिर अं उन्होंने कहने वो एम एल ए फोन करते, एम एल ए अगे थाने फोन करते, थाने वाले वो अगे नहीं जवाब देंगे सानू कोई भी, अगे ए एस आई कहने कहता मैं नहीं कह सकता कुछ भी, मैं थोड़ा रस्ता नहीं खोल सकता जिन्ने तक मैं उत्तों की आर्डर आया। प्रशासन को अं प्रशासन को यही मांग करने तो साडा रस्ता खोलिया जाए, साड़िया दुकाना खोलिया जा, परेशानी साड़ी दूर हो, लोगों राशन तो मिले जाएगा तो लोग कितने जाएंगे, 20 दिन हो गया सारा महला बंद है, अं अपना चेक भी कराए 11 तरीक न कराए नैगेटिव आए का, कोई सारे अं अगर बंद है वो जोड़ा साढ़ा कॉन्टैक्ट करते जो भी करते बंद ही ये ओके हो गया, हूँ जी परली गली है वो 5 मरीज आए हैं वह भी साढ़े तो सुटे करते, वह भी साढ़े सुटे करते, यह भी करसोली महल चाहे आए यह सिर्फ गाड़िया गुरुद्वारे के बिल्कुल नाल दुकाना खुलियाँ
जिस तरह है दुकान है नाल ही उनके घर के पांच के पांच मरीज बाहर भी फिरे करते हैं। नहीं नहीं उन्होंने एक बार नहीं बंद होया, उस गली च दस पांच पहला ही तो पांच होर आए हैं, उन्होंने ले एक बार भी नहीं रस्ता बंद किया, सिर्फ साडा महला ही बंद किए ना, सानू कोई समान आँदी कोई प्रॉब्लम ना, सा दुध लिया सकते सवेरे एस आई आते हैं वो आते ही सवेरे कहें दुकान माड़ी जी अं छटरी चुकने ना ही कहें ताला ला दे, अं उस वे ताला ला के अं अपने घर चल जाने, साडा नुकसान समान दुकान बरखा आई समान के उत्ते पई रस समान सारा साडा खराब होया, वो सानू बाहर सुटना पिया। जदों तक पूरा महला टेस्ट नहीं कराएगा उस तक महला नहीं खुलिया जाएगा, ये एस एम ओ साहब का पूरा जवाब है, अभी एस एच ओ साहब ना गल की थी, उन्होंने कहा जो एस एम ओ साहब कहेंगे उही होएगा, एस एम ओ साहब कहते सारा महला टेस्ट कराओ तो फिर ही तो महला खुलेगा, नहीं तो महला नहीं खुलिया जाएगा। अपना की नाम है? रमा शर्मा। हाँ जी, की समस्या है? समस्या दुकान खोली जाए बस, साढ़े निके निके बच्चे ने अं दुध भी लिया है, साढ़े बच्चे भी वेले हैं, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं है, भी कोई रस्ता नहीं खुलता पाया कुछ नहीं, तो बच्चे किधरों जाएंगे, बाकी दुध भी लेना छोटे छोटे बच्चे। एमएलए साहब को इकट्ठे होके नहीं गए सारे तुसी? नहीं जी, आए नहीं गए जी। हाँ जी, बस साड़ी यो समस्या, साड़ी दुकान खुल जान, साड़ा रस्ता खुल जाए बस, दुध भी लेना, राशन पानी भी कोई है नहीं, कोई अंदर समान नहीं, खाने की खावे, अज 20 दिन हो गए दुकान बंद पेदी है, कोई कमाई का कोई साधन नहीं है। रस्ता खोलिया जाए, साडे बच्चे रेहड़ियां लाने तो बैठे दे ने, 20-22 दिन हो गया सानू अंदर भाले दा, अच्छी ना साडी माड़ी जिनी गल होई है ना, बच्चिया ने कर दिती गलती, हुण ओह कहिंदा भी तुसीं अपना टेस्ट कराओ, अहीं चंगे भले आ, कहिंदा भी अहीं जे उहनूं कहिंदे आ भई चंगा तां महल्ले कराइए देख, कहिंदा उत्थे सारे बंदे फिट न, उहनूं इह गल पुछो भई उत्थे महल्ला सारा फिट आ ते इत्थे कहिंदे मंजिया दे पहिए चुक्किए लईए गिआ, मैं इह गल करना चाहुंदी आ, असीं भी फिट आ, असीं भी कम्म करे करने आ, असीं भी लोकां दा कम्म करन जांदे आ, फिट होके घरों निकलने आ, जिहनूं पुछने आ उही कहिंदे जी चंगा दा महल्ला फिट आ, ते क्वार्टर वाला महल्ला जी इत्थे इह मरेगा पेदा आ, रोक नहीं नहीं भरजाई ये रस्ता थोड़ा खोलिया जाएगा तो यह रस्ता असं बंद कर देना की गल इस रस्ते की हो गया है इतने किनिया कि लाशा लोगों क्वार्टर चु निकल गए तो इन्होंने साड़ी मशहूरी दी अंदर साड़ी झूठियां मशहूरियां दे दी जी इतने करोना आ गया करोना आ गया करोना है की है बुखार खांसी तो बुखार जुकाम है इनू कहते करोना यह तो आम चीज ही है सारी दुनिया में आए तक भी आए है कहीं चीज नहीं अं दवाइया नहीं खाने अ प्राइवेट दवाइया नहीं लेइए आने दे सू तो बदनाम कर छड़े बदो बदी का ना एनसीएल ना रलीए अं बदनाम ही होइए इस काम चो सारा रस्ता रोक खोलिया जाए अं अपना लंघना असं काम कार करना असं भुखे मरे करने अंदर अपने बह के देनी ना सू एमसीएल देनी ना सू कोई एमएलए देनी आई। Once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled to visitors before seeking admission anyway. कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए, उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम।